जी नाजरीन, ये तो सारी मैंने आपकी खूबसूरती की बातें की, मगर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। पहली है, आप लोग बताइए, और जो मुझे इसका सही सही जवाब देगा उसके लिए मेरे पास शिमाज ब्राइडल की तरफ से बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है। और गौर से सुनिएगा, आपकी अम्मी के भाई का बहनोई आपका क्या हुआ? आपके अम्मी के भाई का बहनोई आपका क्या हुआ? ठीक है, तो ये मुझे आप लोग SMS करके जवाब दीजिएगा, और जो मुझे सबसे पहले जवाब देगा उसको मैं शिमाज ब्राइडल की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो आगे जाके हम स्क्रीन पे भी नंबर डालेंगे, मगर अगर आप चाहते हैं तो आप नंबर मेरा नोट कीजिए, 6477073236। तो नाजरीन, ठीक है, मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ साजो आवाज TV, और देखते रहिएगा प्रोग्राम खूबसूरत। थैंक यू, स्टे ट्यून, वेलकम बैक टू खूबसूरत प्रोग्राम, प्रोग्राम खूबसूरत। आप जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको कंट्रोलिंग करना सिखाएंगे, तो आपको याद होगा हमारी बहुत प्यारी मॉडल थी जूली, जो आज भी हमारे साथ हैं। हाय जूली, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ डू यू फील नाउ? वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। या ओके, बिकॉज टुडे हम इनका सेकंड जो स्टेप है वो बताने जा रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? तो पहले हम लोगों ने फाउंडेशन लगाया था, राइट? तो हाफ मैंने इनका कंप्लीट कर दिया है, और हाफ मैं यहाँ पे इनको अभी लगा के आपको बताऊँगी कि किस तरह से स्किन को इक्वल करते हैं। मैंने बताया था टिप्स की मदद से आपने फाउंडेशन लगाना है पहले फेस पे, ठीक है? देखिए, क्योंकि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा सारी जगह फेस के ऊपर, कोई आपके पैचेस नहीं रहेंगे, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत वाइट कलर का फाउंडेशन लें। जूली का कलर ऑलरेडी वाइट है, तो बस उनकी स्किन से मिलता हुआ कलर आप लें, ताकि जो है ज़्यादा ना वाइट लगे और ना ही ज़्यादा डार्क लगे, क्योंकि जब हम कंटूरिंग करते हैं तो उससे फिर आप चेहरे के नखोश को उभार सकते हैं, ठीक है? ओपन योर आईज जूली, थैंक यू। ये हमने फाउंडेशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? अब इसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बाज़ लोग जैसे हम लाइट मेकअप करना है, कहीं ज़्यादा शादी वगैरह अगर नहीं है, तो आप इसी के ऊपर फाउंडेशन पाउडर लगाएं और हल्का सा ब्लश लगाएं और आप रेडी हो सकते हैं। मगर अगर आप जैसे शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और अच्छा प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कंटूरिंग के लिए आप कोई भी डार्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, या स्टिक यूज़ कर सकते हैं। आज मैं पेंसिल्स यूज़ करूंगी। इसके 3 कलर्स हैं, एक बिल्कुल वाइट, जैसे आपकी स्किन से थोड़ा 2 लेवल या 3 लेवल वाइट कलर होना चाहिए, डार्क लाइट कलर, और एक आपके स्किन से 3 लेवल डार्क होना चाहिए, ये 4 लेवल डार्क होना चाहिए, और एक जो है थोड़ा सा मीडियम। अगर वो उसकी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगाओ, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़े तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम सबसे पहले जो इनकी चीक बोन्स हैं और नोज़ है, उसको हम आपको उभारना सिखाएंगे कि किस तरह से आप उसको करें। देखें, ये डार्क कलर का मैंने अभी पेंसिल ली है, जो कि इनके कलर से 4 लेवल डार्क है, तो उसको आप, ये जो आप कान देख रहे हैं, कान के बीच में एक बिल्कुल मिडिल पार्ट से समझ लीजिए, या फिर मैंने आपको प्रोग्राम में पहले बताया था डक फेस, कि ऐसे आपको बनाना है और उसी चीक बोन के ऊपर आपको वो लाइन देनी है, ठीक है? ऐसे ये आपने लाइन दे दी, ठीक है? क्योंकि जूली ऑलरेडी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी हैं, इनको ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगर जिनके डिफरेंट शेप के फेसेस होते हैं उनके ऊपर हमें कट लाइंस का किस तरह देना है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हम यहाँ से ओके। और नोज़ आप देखें, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की चौड़ी होती है, तो उसको हमने, अब जैसे यहाँ से थोड़ा सा बड़ा एरिया है, थिक एरिया है, ठीक है, इसको हमको बारीक
खड़ी नाक बनाने के लिए हमें डार्क कलर से हम इसको थोड़ा सा ठीक है देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको छुपाने के लिए नीचे यहाँ लगा देंगे, एक लाइन यहाँ दे देंगे बीच में। ओके, ये आपका हो गया। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि किसी की चेन बड़ी होती है तो उसको छोटी करने के लिए आप डार्क कलर कर देंगे, ठीक है। किसी के ये साइड्स बोन जो हैं वो बहुत चौड़े, जैसे स्क्वायर फेस जिसका होता है, उसके लिए आप यहाँ से क्रॉस कट लगा देंगे। मगर क्योंकि जूली के बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, मुनासिब है, तो हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप देख रहे हैं कि जूली का जो फॉरहेड है ये आपको थोड़ा चौड़ा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा डार्क कलर हमें देके फॉरहेड को थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है। ये देखिए, ये आपने डॉट डाल दिए। अब किसी के लिप्स बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। अगर किसी के लिप्स जैसे छोटे हैं, पतले हैं, तो उनको बड़ा करने के लिए थोड़ा सा आपको इसके नीचे अगर आप डार्क फाउंडेशन लगा देंगे तो आपको जब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो वो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये चीज़ें जो आँखों के नीचे का एरिया है, यहाँ पे एक बोन है ये देखें, और इसके नीचे ये डीप हुआ हुआ है, तो इसको उभारने के लिए जो ये लाइट मैंने आपको बताया था, लाइट वाला जो हाइलाइटर कहलाता है, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। मगर ये आप ट्राइंगल सूरत में लगाएंगे ताकि फेस का शेप सही से बन सके, ठीक है। ये देखिए, अब ये आपने थोड़ा लाइट वाला लगा दिया। अब ये जो आपने नोज के ऊपर खड़ी करने के लिए लगाया था, तो आपने बीच में इसको ऐसे वाइट लाइन दे देनी है ताकि आपकी नोज खड़ी हो जाए। फॉरहेड का हिस्सा हमेशा शाइन होना चाहिए क्योंकि ये सामने का हिस्सा होता है हमारे, ठीक है। और चिन भी हमेशा आगे आनी चाहिए ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। ये देखिए, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर, तो इस तरह से आपने कुछ कंटूरिंग फेस की करनी है, ठीक है। ओपन योर आई, दैट्स इट, दैट्स इट। अब आपने इसको ब्लेंड करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे। या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ले लें या फिर आप कोई ब्रश ले लें उसकी मदद से। एक तरफ मैं आपको ब्रश से करके बताती हूँ। आपने सर्कुलर मूवमेंट में हल्के 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 से हाथ से खाली आपने ये फाउंडेशन को, जो डार्क कलर है उसको आपको ब्लेंड करना है। देख रहे, हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल नाइस सॉफ्ट हैंड आप उसको ब्लेंड करेंगे ताकि वो सेपरेट भी ना हो, स्किन के साथ मिल भी जाए, मगर आपके कट्स भी नुमाया हो, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे थोड़ा डार्क लाइन लग रही है आपको, इसी से आपके इधर थोड़ा सा क्लोज, ये देखिए कट कैसे चीक्स इनके उभर के आ गए हैं, देखा आपने। और यहाँ पे अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी लाइन डाली हुई है। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसी तरह इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत ही लाइट हैंड आप यूज करेंगे, ये देखिए। पहले सबसे पहले हम डार्क लाइंस जो हैं उनको ही ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे ब्रश के ऊपर जो डार्कनेस है वो दूसरी जगह स्किन पे ना लग जाए, ठीक है। अभी आपने दोनों साइड ब्लेंड कर दिए। अब उसके बाद आप नोज के ऊपर आ जाइए, नोज को भी लाइट हैंड से बिल्कुल आप उसको ब्लेंड करेंगे ताकि वो खड़ी लगे आपकी नाक, ठीक है, लाइक दिस। ये नाक के नीचे थोड़ा सा, अब इस साइड पे आहिस्ते आहिस्ते, बहुत पेशेंस चाहिए होता है मेकअप करने के लिए। पहले तो हम सिर्फ एक लिपस्टिक से ही सारे सिर्फ मेकअप कर लिया करते थे कि यहाँ पे आपने ब्रश लिपस्टिक लगाई आँखों पे, लिपस्टिक लगाई होंठों पे, और आपका हो गया मेकअप, ठीक है। तो ये देखें, अब फर्क नज़र आ रहा है थोड़ा सा आपको। अब इनका शेप ये देखें, यहाँ से भी कट नज़र आ रहा है,
और यहाँ से भी कट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फॉरहेड आप देख रहे हैं कितना चौड़ा हो रहा है, यहाँ मैंने डार्क इसीलिए लगाया है। अब आप इसको भी ब्लेंड करेंगे। जो चीज़ आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका काफ़ी नज़र आ रहा है, बड़ा एरिया है, उसको आप डार्क कलर से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपकी दबी हुई है उसको आप हाईलाइट के ज़रिए उभार सकते हैं, तो वही फिर आपका राइट मेकअप होता है, ठीक है। ये देखें, ऑलरेडी इनके फीचर्स उभर चुके हैं, ये देखिए। सी, अब हम इनकी जो हाईलाइटिंग है उसको हम थोड़ा सा लाइट करके आपको बताएंगे। ये देखिए, अब आप चाहें तो अपना ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं ताकि स्किन के साथ आप इसको मिला दें। ये देखिए, ये फॉरहेड के ऊपर पहले लाइट कलर था, नोज़ के ऊपर, ठीक है, ये आपकी आईज़ के ऊपर, लाइक दिस। बहुत ही लाइट हैंड्स आपको यूज़ करने हैं, ना प्रेस करना है, ना आपको उसको रब करना है, ठीक है। बहुत लाइट हैंड से बस हल्का हल्का स्पंज करेंगे तो वो आपकी खूबसूरती नज़र आ जाएगी। ये वाइट हमने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत डार्क होता है तो उसको हमें ब्लेंड करना होता है, राइट। ये देखें, अब इस तरफ आपको खुद नज़र आ रहा होगा आहिस्ते आहिस्ते किस तरह से चेहरा अपना चेंज होता जा रहा है, राइट। जूली कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, अब आप ही मेरा फाउंडेशन चूज़ करेंगी। बहुत हैप्पी हैं जब मैं इनको मेकअप के लिए मैंने इनसे बताया कि आपको मैं आपका मेकअप करूँगी, सो शी वाज सो हैप्पी। तो देखें, ये देखें आप, अभी इनका लिप्स नीचे के ये पतले थे तो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लगा दिया था, तो आपको ऑलरेडी लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़े हो गए हैं होंठ। ये देखिए, ये हमने सारी कंटोरिंग ब्लेंड कर दी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से भी इनके कट नज़र आ रहे हैं, चीक नज़र आ रहा है यहाँ से, और इस तरफ से भी, राइट। नोज़ भी आप देख रहे हैं खड़ी हो गई, डार्क कलर हुआ है थोड़ा सा। अब इसके ऊपर इनके जो फेस से मिलता हुआ कलर है उसको हम क्या करेंगे कि फेस पाउडर लगाएंगे। अब आप देखिए, सारा अच्छा सा पाउडर लेके आपने पूरे फेस के ऊपर बहुत हल्के हाथों से ऐसे उसको फैला देना है, ठीक है। ये देखिए, किसी को वेट लुक चाहिए होता है। वेट लुक में क्या है कि आपने जब ये फेस पाउडर लगा दिया है उसके बाद एक स्प्रे आता है, ठीक है, तो वो स्प्रे अगर आप इसके ऊपर कर देंगे तो वो आपका क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल वेट लुक आ जाएगा। तो आप चाहे तो जैसे बारिश में जा सकते हैं, या आप स्विमिंग पूल के लिए थोड़ा सा वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए होता है, मगर ये है कि अगर आप स्प्रे करके करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट लुक आ जाएगा, और अगर आप ऐसे पाउडर लगा के बगैर स्प्रे के करेंगे तो फिर आपका ड्राई लुक रहेगा। मगर जब आप उसके ऊपर शाइनर लगाते हैं, हाईलाइट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, चमक जाता है आपका फेस, उससे भी खूबसूरत हो जाता है। ये देखें, ब्लेंड हो गया सारा आपका जो भी कंटूरिंग थी। अब आपने क्या करना है, इसके साथ दोबारा पाउडर के ज़रिए आपको इसको कंटूर करना है ताकि ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए, ठीक है। ये हमारे पास किट है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, ये किट आपको नज़र आ रही होगी, इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं, तो अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग कलर्स यूज़ होते हैं। मैं आज जूली के लिए यूज़ करूँगी ये मीडियम कलर, ठीक है, डार्क कलर, ओके। तो ये देखिए आप, हल्का सा आपको इसको पाउडर की मदद से लगाना है, ठीक है, ज्यादा डार्क नहीं, बिल्कुल लाइट। ये सर पे भी आपने लगाया था लिक्विड, सर पे भी आपको थोड़ा सा लगाना है डार्क, फाइन।
नोज पे आप थोड़ा बारीक छोटा वाला ब्रश ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। देखिए जी, देखा आपने हमारी कंटोरिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। जूली बिल्कुल चेंज हो गई है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि ब्यूटिफुल। यस जूली, यू लाइक इट? यस, आई लव इट, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि उसको हाईलाइट कैसे किया जाए, जो फीचर दबे हुए हैं आपके उसको आप किस तरह से उभार सकते हैं। ये वो जगहें थी जो ज़्यादा थी जिसको हमने कम किया, ठीक है। अब जो हम हाईलाइट यूज़ करेंगे उसमें हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हमें नहीं नज़र आ रही हैं, जो दब गई हैं, उसको उभारना कैसे है, तो वो हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे हाईलाइटिंग करने के लिए। तो ठीक है नाज़रीन, वैसे टाइम का भी आपको पता है प्रॉब्लम होता है, मगर कोई बात नहीं है। टाइम के ऊपर एक बहुत अच्छी मैं एक नज़म कह लीजिए या कुछ पोएम कह लीजिए कि बहुत प्यारी एक टाइम के ऊपर नज़म कहना चाहती हूँ। टाइम 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 लोग मिलते हैं ऑल द टाइम, पसंद आते हैं सम टाइम, आप जिसे मिलते हैं वन टाइम, जो दिल में रहते हैं लाइफ टाइम, अल्लाह आपको रखे सलामत फुल टाइम, यही हमारी दुआ है फुल टाइम, अपनी दुआ में हमें याद रखना टाइम टू टाइम, क्या पता कल हम ना हो इस टाइम, मगर मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हमारे नए सेगमेंट में, जिसमें मैं आपको हाईलाइट करना बताऊंगी। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा और जो जो मैं आप लोगों को सिखाती जा रही हूँ वो आपके समझ में आया होगा, मगर मैं आप लोगों से फीडबैक चाहती हूँ। मैंने इससे पहले अभी आपको अपना नंबर दिया था, उस पर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम खूबसूरत के साथ मेरी मॉडल जूली और बिल्किस अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।